हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। दोस्तों, मैं आज आपको कार के अंदर जो बल्ब लगे हुए होते हैं, किस किस डिज़ाइन के लगे होते हैं, उनको आप विस्तार से समझा देता हूँ कि फॉग लाइट का बल्ब कैसा होता है, पार्किंग लाइट का बल्ब कैसा होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, हेडलाइट का बल्ब कैसा होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और आपको पता लग जाएगा कि हेडलाइट बल्ब कैसा होता है, उसका कैसा डिज़ाइन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो, अभी मैं आपको हेडलाइट के बल्ब के बारे में दिखा रहा हूँ। जो हेडलाइट का बल्ब है दोस्तों, ये हेडलाइट का बल्ब है। तो ये हेडलाइट का बल्ब आपको देखने में ऐसा मिलेगा, जिसका हेडलाइट का बल्ब सामने से ये लंबा है, इधर से ये आपको एक इस पर एक सॉल्यूशन लगा हुआ होता है। इस सॉल्यूशन से क्या, अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी हेडलाइट का बल्ब की फोकसिंग कम रहेगी। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट इधर होता है, एक पॉइंट इधर होता है। इसके अंदर ये जो चार पिन, तीन पिन है, ये जो हमारे लोकों में जब हेडलाइट होती है उसके अंदर जाके बैठती है। पीछे से हमारा एक लॉक लगता है, लॉक लगाने के बाद में ये बल्ब नहीं हिलता है। और ये पीछे हमारे जो देख रहे हैं आपको चार, ये क्लिप्स, तीन क्लिप्स दिख रही है, एक दो तीन। इसमें एक अर्थिंग की होती है, दो पावर की होती है, जिसमें एक से एक बल्ब एक रेजिस्टेंस होता है बल्ब का जो पॉइंट चलता है, एक से दूसरे बल्ब का पॉइंट है। लेकिन ये माइनस का ना, दोनों में माइनस अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये आपको तीन पिंस मिलेगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा ये तीन पिन का बल्ब है। इसमें दो पॉइंट्स बल्ब है, यानी कि एक हाई एक लो। ये हेडलाइट का बल्ब है। इस हेडलाइट के बल्ब के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें मिला, और यहाँ सामने भी आपको एक खांचा मिलेगा, इधर देखेंगे तो ये सीधा लोक के अंदर, हेडलाइट के अंदर एक खांचा बना होता है, वहाँ जाके फिक्स होता है। तो ये फिर हिलता नहीं है। हिलने के कारण ये क्या, अगर आप टेढ़ा मेढ़ा लगा देंगे तो फोकसिंग आपकी हेडलाइट की गलत जाएगी, और आपका या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आप करेंगे कि बल्ब कैसे चल रहा है, पता ही नहीं लग रहा, रोशनी नहीं आ रही है। तो इसको लगाने से पहले आप प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए और अंदर सही तरीके से बिठाना चाहिए। दूसरा, अगर इसके अंदर ये बल्ब है, बल्ब के अंदर अगर आपने इसका माइनस का चेंज कर दिया तो ये बल्ब क्या होगा, माइनस में ये क्या धीरे जलेगा। आपको माइनस पे माइनस का ही, यानी कि अर्थ का ही वायर होना चाहिए, और इनमें प्लस माइनस आना चाहिए। अगर आपने गलत लगा दिया, प्लस की जगह माइनस का रखेंगे तो आपका क्या बल्ब है ना, बहुत धीरे जलेगा। तो ये आपको वायरिंग के बारे में पूरा डिटेल से पता होना चाहिए कि वायरिंग कैसे लगेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा अर्थ होता है, कौन सा प्लस होता है। तो ये मेरा हेडलाइट का बल्ब है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा बल्ब, जो ये हमारा फॉग लाइट बल्ब होता है। फॉग लाइट बल्ब भी मैं आपको, मेरे पास ही रखा है, ये फॉग लाइट बल्ब है। फॉग लाइट बल्ब दिखाता हूँ दोस्तों। ये फॉग लाइट बल्ब है जो एक पिन का है, जैसे कि हमने आपको देखे हुए स्विफ्ट डिजायर हो गया, और भी कई गाड़ी है जिसमें एक बल्ब होता है। ये आपको देखने को मिल रहा है फॉग लाइट बल्ब है। ये क्या होता है, ये फॉग लाइट बल्ब हमारा फॉग लाइट में लग जाता है, और दूसरी साइड से इसमें एक पेच लगता है जहाँ से वो अर्थिंग मिल जाती है। ये जो पिन होती है दूसरी, ये हमारा प्लस की होती है, इसमें सीधा हमारा प्लस का वायर आता है और ये हमारा बल्ब जलना चालू कर देता है। इसको मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा कि ये बल्ब जलता कैसे, इसकी रोशनी कैसी होती है, कैसे इसमें हम करंट देते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, माइनस कहाँ रखते हैं, प्लस कहाँ रखते हैं। दूसरा हमारा ये जो हमारा एक ये बल्ब है, ये बल्ब हमारा दोस्तों, ये बल्ब है जो हमारा ये ब्रेक लाइट में काम करता है। ब्रेक लाइट लगाते हैं या आपका कोई भी चीज़ है जिसमें एक पॉइंट का बल्ब होता है, इसको बोलते हैं 1176 नंबर इसका बल्ब होता है। जैसे कि 1176 हो गया, 67 नंबर का बल्ब हो गया। ये बल्ब हमारे ब्रेक लाइट में या पार्किंग लाइट में या रिवर्स गियर की लाइट में यूज़ होता है। लेकिन अभी क्या कर दिया कंपनियों ने, एक ही बल्ब में दो पॉइंट दे देती है। तो ये दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट्स होते हैं, इसमें दो पॉइंट है, दो पीछे से पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, एक पार्किंग का बल्ब जलता है और ब्रेक लगाने पे एक ब्रेक का बल्ब जलता है। तो पार्किंग का आपका धीरे जलेगा, ब्रेक में थोड़ा ज़्यादा जलेगा। तो इस हिसाब से इसमें दो पॉइंट्स होते हैं ये बल्ब के अंदर। तो ये आपको पता लग गया। इसको भी हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। आगे आके देखते हैं हम दूसरा बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब और है जो हम हेडलाइट के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं हेडलाइट में हो गया, मीटर लाइट में होता है, जिसमें एक ये छोटा सा बल्ब होता है। आप देख रहे हैं छोटा सा एक बल्ब है, ये मीटर लाइट के अंदर एक बल्ब होता है। इसमें अंदर दो पिन होती है, ये तार लगी होती है, एक इधर की साइड एक इधर। अगर एक होती है एक माइनस की, एक होती है प्लस को। इसको भी चलाने के लिए एक प्लस में देना है, एक माइनस में देना है, तो ये बल्ब जलेगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको ये बल्ब भी जला के दिखा दूंगा कि ये बल्ब कैसे जलता है, और अगर ख़राब होगा तो ये नहीं जलेगा। तो अभी अब मैं आपको, मेरे पास पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से मैंने बैटरी से कनेक्ट करके नहीं, आपको चेक करा के दिखा दूंगा कि बल्ब हमारा जलता कैसे। तो ये आपको पता लग गया कि हमारी ये पार्किंग में यूज़ होता है, जैसे कि हेडलाइट में बल्ब हमारी जो हम कहते हैं ना, पार्किंग में ऑन करके छोड़ दो रात में या पार्किंग में, तो ये हम बल्ब को जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे साइड इंडिकेटर होते हैं, जैसे साइड इंडिकेटर में भी ये यूज़ होते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये जो हमारा हमारा पैनल होता है ना, पैनल में एक छोटी सी लाइट होती है, वहाँ यूज होता है। लेकिन आगे जो आगे और पीछे, वो बल्ब हमारा पीले कलर का बल्ब होता है, लेकिन ये साइज़ का होता है।
वो ये वाला होता है, लेकिन ये छोटे वाले जैसे कि अंदर इंडिकेटर की लाइट है, जो क्लस्टर मीटर में बल्ब जलता है हमारा लेफ्ट राइट में, उसमें ये साइज का बल्ब होता है। तो ये आपको पता लग गया कि बल्ब छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े बल्ब होते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों ये दिखा देता हूँ कि बल्ब जलता कैसे है। अब 12 वोल्ट का करंट से ही जलता है ये, 12 वोल्ट का अगर हमारे पास करंट है तो उससे हम इस बल्ब को जला के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा छोटा बल्ब है, उसको हम जला के दिखा रहे हैं आपको। तो ये बल्ब को आप देखेंगे कि ये मेरे पास 12 वोल्ट का करंट है। तो अभी मैंने यहाँ से एक तार लगाया और ये मेरा बल्ब जलना चालू हुआ। अभी मैं जला के दिखाता हूँ ये हमारा बल्ब जलता कैसे है। ये देखिए, अगर आप मैं इसको एक माइनस में अर्थ कर दिया हूँ और दूसरा मेरा प्लस है, तो प्लस को जैसे मैं इसके कनेक्शन करता हूँ तो ये मेरा करंट से बल्ब जलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये बल्ब ऐसे जलता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक माइनस रहता है, जैसे ही हम ब्रेक लाइट या रिवर्स गियर लगाते हैं, रिवर्स गियर लगाते ही हमारे पास यहाँ करंट आता है, करंट आते ही ये हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। तो पीछे का पता लग जाता है कि यह पीछे एक बल्ब जला है। ये हेडलाइट का बल्ब है, ये हेडलाइट के बल्ब के अंदर हम कैसे देखेंगे कि कैसे जलता है। तो इसमें क्या दो पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट जब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट पे मैंने एक तार लगा दिया, तो दूसरे पॉइंट पे अगर मैं तार लगाता हूँ तो हमारा बल्ब जलता है, देखिए जल रहा है। फिर मैं दूसरे पे लगाता हूँ तो ये भी जल रहा है। तो ऐसे करके नहीं हमारा बल्ब जलता है। अगर मैं इसको अर्थिंग में लेके जाता हूँ तो ये क्या होता है, बल्ब हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगा। ये देखिए कितनी धीरे तरीके से जल रहा है, कितने धीरे तरीके से जलता है। तो आपको पता लग गया कि दोस्तों यहाँ पे आपका बल्ब है ना, यानी कि ये कम जल रहा है। तो आपको यहाँ ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो अगर देखते हैं इस साइड, अगर इस बल्ब को मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो मेरे ये लेफ्ट साइड का बल्ब का क्लिप्स है वो उसका माइनस पॉइंट होगा, और उसके बगल वाला दोनों होंगे वो एक हाई बीम होगा एक लो बीम का होगा। तो ये इस हिसाब से आपको है ना हेडलाइट बल्ब को भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि बल्ब कैसे चेक हुआ था, तो ये मैंने लगाया था और उसके बाद में आपको ये बल्ब जलने लगा। तो दोस्तों ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये बल्ब मेरा जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये हेडलाइट बल्ब भी चेक कर सकते हो आप 12 वोल्ट की बैटरी से चेक करके। नहीं आप देख सकते हो कि बैटरी में बल्ब हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप मेरी वीडियो में वायरिंग के बारे में पता लग जाएगा। और ऐसे करके जो बैटरी होती है ना दोस्तों, बैटरी के द्वारा ही हम करंट को यूज़ करते हैं, और बैटरी के से ही हमें हर चीज़ की पावर सप्लाई मिलती है। तो पावर सप्लाई मिलने के बाद में ही हमारा सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चलते हैं, और हर चीज़ इसी से यूज़ होती है। और आगे वाली वीडियो में आपको रिले के द्वारा हेडलाइट बल्ब जला के दिखाऊंगा कि हेडलाइट से कैसे पावर सप्लाई निकलती है, इनपुट कैसे होती है, आउटपुट कैसे होती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको मेरी पूरी वायरिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये वायरिंग कैसे यूज़ होती है, कैसे बल्ब काम करता है, बल्बों के बारे में आपको पता लग गया कि बल्ब कैसे होते हैं, बल्ब कहाँ का कौन सा बल्ब लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।